हेलो दोस्तों, वेलकम टू राइट कंप्यूटर कैंपस मोती नगर। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सेल के कुछ बेसिक फॉर्मूले पार्ट 5। लेट्स स्टार्ट। हमने यहां पर टू वर्ड्स लिखे, हमें पता करना है कि क्या दोनों वर्ड्स आपस में मैच करते या नहीं करते। तो फॉर्मूला आता है इसके अंदर एग्जैक्ट दिस वर्ड कोमा दिस वर्ड। कह रहे नहीं, दोनों वर्ड मैच नहीं करे तो आंसर विल बी फॉल्स। अगर हम यहां पर टाइप करेंगे फन एंड फन तो देखते हैं कि आपका आंसर आ रहा है ट्रू, क्योंकि आपके दोनों वर्ड आपस में मैच कर रहे हैं। तो किसी भी टू वर्ड्स को आपस में हमने मैच करवाना है तो फॉर्मूला आता है आपका एग्जैक्ट फॉर्मूला। नेक्स्ट फॉर्मूला आता है आपका कॉन्केटनेट। अगर हमें ये टू वर्ड्स को आपस में कंबाइन करना है तो हमने फॉर्मूला टाइप किया, यहां पे फर्स्ट वर्ड पे क्लिक किया, देन सेकंड वर्ड पे क्लिक करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके इसको हम एंटर प्रेस कर देंगे। तो आप देख रहे हैं कि यहां पे इन्होंने इस फॉर्मूले ने इस वर्ड को आपस में मिला दिया है। बट आपने एक चीज नोटिस किया होगा, आपने देखा होगा कि यहां पर टू वर्ड्स आपस में मैच तो करके मिला तो दिया इन्होंने, बट इस फॉर्मूले ने एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दी कि इन्होंने बीच में स्पेस नहीं दिया इस फॉर्मूले ने। तो क्या करेंगे इसके लिए, हम फॉर्मूला बार में जाएंगे और यहां पे हम डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा देंगे। तो अब आप देखेंगे कि ये वर्ड आपस में मिला दिया इसने। हम अप टू 20 वर्ड्स तक मिला सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला आता है आपका इसके अंदर लेन। लेन होता है लेंथ। ये कैरेक्टर काउंट करेगा कि अगर हमने ये वर्ड लिखा सिनेमा वर्ड कि इसके अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं, ये काउंट करके बताएगा कि इसके अंदर 6 कैरेक्टर्स हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला आता है इसके अंदर रैंडम ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज। ये एक ऐसा नंबर विजिबल करेगा जो 0 से बड़ा और 1 से छोटा रहेगा, कुछ भी रैंडमाइज नंबर ला सकता है। नेक्स्ट फॉर्मूला आता है रेंड बिटवीन। हमने लिखा 1 to 100। अब इसके अंदर हमें बताएगा कि बॉटम से लेकर टॉप तक कोई भी एक नंबर ले आएगा, जैसे इसने 100 लिया। अब मैं नेक्स्ट प्रेस कर रहा हूं F9, तो आप देखेंगे नंबर रिप्लेस हो रहा है, चेंज हो रहा है आपस में, क्योंकि रैंडम वाइज नंबर बदलता रहता है। तो इस फॉर्मूले का नाम था हमारा रेंड बिटवीन। नेक्स्ट फॉर्मूला आता है आपका इसके अंदर, हमने यहां पर टाइप किया 5000 अमाउंट लिखा। हमें इस 5000 के ऊपर कुछ डिस्काउंट मिल रहा है 25% का, कि हमने कुछ परचेज किया आइटम उस पर 25% का डिस्काउंट है, तो हमें कितना लेस होगा हमें वो देखना हो। तो क्या करेंगे इसके लिए, हम फॉर्मूला आता है आपका सबसे पहले इक्वल दिस वैल्यू इनटू दिस वैल्यू। तो आप देखेंगे आंसर आ रहा है 1250 की। अगर आपने 5000 का कुछ सामान लिया है तो उस पे अगर 25% का डिस्काउंट मिल रहा है तो कितना अमाउंट लेस होगा, तो ये दिखा रहा है 1250 अमाउंट। नेक्स्ट फॉर्मूला आता है टैक्स। अगर आपने 8000 का एक मोबाइल लिया उस पे 5% जीएसटी लग जाता है तो वो कॉस्ट कितने की पड़ेगी हमें टैक्स लगाने के बाद। तो हम फॉर्मूला नोट कर टाइप करेंगे, पहले आपने इस पे क्लिक किया, देन एस्ट्रिक, देन इस पर, और प्लस पहले वाले में ऐड कर देंगे जो आपकी मोबाइल की वैल्यू कॉस्ट थी। तो आप देख रहे हैं कि दिखा रहा है 8400 रुपए का आपका उस मोबाइल की कॉस्ट पड़ेगी। नेक्स्ट फॉर्मूला आता है ग्रोथ। मान लेते हैं आपकी सैलरी है 5000, अब हो जाती है 6000, तो आप देख रहे हैं कि 1000 इंक्रीमेंट हुआ है, बट परसेंटेज में कितना हुआ वो निकालना हो, फॉर्मूला आता है ग्रोथ, जो आपका इंक्रीज अमाउंट है उसमें से माइनस करेंगे पहले वाला अमाउंट और इसको डिवाइड भी करेंगे पहले वाले से। तो ये कह रहा है 0.2, इसको आप परसेंटेज पे क्लिक कर देंगे यहां पर तो दिखा रहा है 20% का ग्रोथ हुआ है। नेक्स्ट फॉर्मूला आता है आपने, आपके मार्क्स आए 235 out of 250, तो कितनी परसेंटेज है, ये दिखा रहा है 0.94, इसको परसेंटेज पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखा देगा 94% आई है आपकी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट शीट पे कुछ दूसरे फॉर्मूले करने के लिए। तो नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा आता है इसके अंदर डेट डिफ के फॉर्मूले। यहां पर हमने डाला आज की डेट डाली, कंट्रोल सेमीकोलन प्रेस करेंगे तो आज की डेट आ जाएगी, और यहां पे हम डाल रहे हैं एक डेट ऑफ बर्थ, जैसे हमने यहां पर टाइप किया 18/8/2000। तब हमें पता करना है कि
इस डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आज और आज की डेट तक कितने ईयर हो चुके हैं, कितने मंथ हो चुके हैं और कितने डेज हो चुके हैं। तो फॉर्मूला आता है डेट डिफ दिस डेट कोमा इन्वर्ट कोमा आपने टाइप करना वाई, तो आपको बताएगा कि टोटल 19 ईयर्स हो चुके हैं। और अगर मंथ देखना है अगर आपने, तो फॉर्मूला आता है डेट डिफ ए वन कोमा बी वन कोमा इन्वर्टेड कोमा एम लगाएंगे, तो एम हमें क्या दिखाएगा, टोटल मंथ दिखाएगा कितने मंथ हो चुके हैं। इसी तरह हमने डेज देखने हो तो फॉर्मूला आता है डेट डिफ ए वन कोमा बी वन एंड आपने यहां पे टाइप के डी डी फॉर डेज, तो ये दिखा रहा है आपका कि जब से ये डेट ऑफ बर्थ है किसी के बर्थ हुआ है और आज तक इतने डेज हो चुके हैं। इसी तरह नेक्स्ट फॉर्मूला आता है आपका, हमें देखना चाहते हैं कि हम यहां लिखा हमने डेट डिफ इस डेट और इस डेट में कितने इयर्स हो चुके हैं, आपने टाइप के वाई, तो ये बता रहा है कि 19 इयर्स के हो चुके हैं। अगर हमें किसी की पता करने की ये किसी की डेट ऑफ बर्थ है और ये आज की डेट है कि उसको आज 19 इयर्स हो चुके हैं। इसी तरह मंथ देखना हो आपने ए वन कोमा बी वन आपने टाइप के वाई एम, ये हमें बताएगा कि वो पर्सन जिसकी डेट ऑफ बर्थ 18/8/2000 थी वो 19 ईयर 2 मंथ का हो चुका है। और डेज का देखना हो तो फॉर्मूला आता है डेट डिफ ए वन कोमा बी वन आपने टाइप किया एम डी, तो ये आपको दिखा रहा है 21 डेज, इट मींस जिसकी डेट ऑफ बर्थ ये थी वो आज तक इस डेट तक करंट डेट तक 19 ईयर्स 2 मंथ और 20 डेज का हो चुका है। तो ये फॉर्मूले थे हमारे डेट डिफ के। नेक्स्ट फॉर्मूला करते हैं हम फाइंड के फॉर्मूला, आपने यहां पे टाइप किया एक वर्ड लिखा यूअर बॉय, अब हमें पता करना है कि जो आर वर्ड है वो कितने करेक्टर से स्टार्ट हो रहा है। फॉर्मूला आता है फाइंड, जो सा वर्ड टाइप फाइंड आउट करना वो लिखेंगे हम, फिर लिखेंगे यहां पे विद इन किस टेक्स्ट में, इस टेक्स्ट के अंदर। तो ये बता रहा है कि आपका जो आर वर्ड है वो फिफ्थ करेक्टर से स्टार्ट हो रहा है, कैसे वाई ओ यू में 3 करेक्टर हुए, फोर्थ आपका स्पेस हुआ, फिर फिफ्थ से स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट आता है आपका सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला, यहां लिखा हुआ टेक्स हमें किसको रिप्लेस करना है, हम चाहते हैं कि जहां पे लिखा हुआ बॉय वर्ड वहां पे आ जाए आपका गर्ल वर्ड, तो आप देखेंगे उसने उस वर्ड को रिप्लेस कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। नेक्स्ट फॉर्मूला आता है आपका एडवांस सब्स्टिट्यूट, आपने यहां पर कुछ नंबर्स डाल रखे हैं, यहां पे हमने कुछ नंबर टाइप कर रखे हैं, आप देख रहे हैं कि इसके अंदर इन नंबर्स के अंदर बहुत सारा स्पेस आया हुआ है, अब इस स्पेस को हमें हटाना चाहते हैं, तो फॉर्मूला आता है सब्स्टिट्यूट, हम इसमें से स्पेस को हटाना चाहते हैं और उस स्पेस के लिए क्या कन्वर्ट करना चाहते हैं, विदाउट स्पेस, ब्रैकेट क्लोज किया आपने, तो आपने देखा इसके बीच में जो भी गैप आ रहा था एक्स्ट्रा स्पेस था उसको इसने रिमूव कर दिया। तो ये कुछ एक्सेल के बेसिक फॉर्मूले थे हमारे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को हमारे,